জমি মানে পড়ার কোনো অচা না করে কিনে পি দি পড়া পড়া তো না গা নেই তো সোত্রাও কি আছে যে क्लिप्स आपको दे दूंगा वहां पर तो गाइस आज थोड़ा सा होली करके मैंने आज होली है ने वीडियो स्टार्ट भी नहीं किया था क्योंकि कल रात में जो हुआ था कांड मेरा साथ तो क्या बोलूं आपको ऑलरेडी अभी मैं गाड़ी चल रहा हूँ उसके साथ आपके साथ भी बात कर रहा हूँ थोड़ा दूसरों के साथ करके अभी जा रहा हूँ मामले करने के लिए और नेक्स्ट डे तो होली खेलना था बट अभी वीडियो भी नहीं किया था उस टाइम में तो अभी मैं पहुंच गया हूँ मामला घर के पास अभी मेरा पीछे में की मामा जी और वो और पीछे में टिक्कू और सोना भी आ रहे हैं गाड़ी में इस गाड़ी में तो अभी जाएंगे मामा जी के घर के पास तब उसके बाद आपको कंटिन्यू करता हूँ मामा घर के पास हिंदी ओडिया कहीं विश्व जगह गोटे कहो ना ओडिया को आए थे हिंदी कहीं मिसो तुम ओडिया पिला ओडिया को ना तो को देखो देखो इन लोग के फेस तो गाइस जाके पहुंच गए हो खतरनाक फेस अभी जा रहा हूं मैं इनको रंग दे दूंगा रंग वाला देता हूं कैमरा में पहुंच रहा हूं टाइम हो रहा है हो गया खत्म मुटकी वाह वाह ये संस्कारी ये भी है संस्कारी रंग थोड़ा सा पीने के बाद बस कंटिन्यू करता हूँ पसो पसो जहाँ पसो पसो बोल क्या बोला कुछ नहीं एक बंदा अभी तक भी चल रहा है पिचकर के साथ चाचा है जो पियो पियो ये पिला मेरा काली तार अवस्था मो ढिला कर दिलू नरे माई इज्जत मा तो किसी रखू ना हल्का अवस्था पूरा खराब हो क्लिप्स आपको दे दूंगा वहां पर हाँ सर कौन केमिति लगुच आपे कष्ट सांग मैंने पी दे ना ना मजा ना सीरियसली केमिति पीएले মানে পড়া কোন অচানক করে কিনে পি দি পড়া পড়া রাখি দে হ্যাঁ অবশ্য দেখি দে পুরো কোড সুই চন্দি আগে দেখি দে এটা টোটাল খট এইদি ইয়া এটি সুই চন্দি ভাই কোন দাম ভাই দে ভাই মাথা রে বান দোস আপু মাটি দি দে ও গঙ্গেজ তো কথা নি কথা কল দিলে যে মরা ভুল পা কি হ্যাঁ গত কিছু দিন মা জানি তো কথা দিয়েছে আর সকাই আমি মরিও আগে ভি যাই না মু কো কই নো ডেলি কো মু কল করি দাম কল কর না হাল চল দেখো ও এ বড়তে ফটা রং বদ এটা মুন্ডা বড় রং আমি কো হিজ গুলো রং করে তো कौन काम
तो गाइस पूरा इज्जत लूट गया सब लोग, मतलब क्या क्या कुछ खा लेंगे फिर उसके बाद निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश वगैरह मिल जाएंगे। होली में जो जो अवस्था हुआ है तो सिचुएशन पूरा खराब हो चुका है, जाएंगे अभी घर होता है यार, इसलिए घर में जाकर थोड़ा सा फ्रेश होके ଖଲୁଛି ତ ପାଣି ଶୁଖୁଛି। ଦୀପୁ କହିଲୁ ଦୀପୁ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆଣିଲୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ, ମେନ୍ ମାଇନ୍ ଦର କ'ଣ କହିଲ, ବ୍ୟାଗରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମେନ୍ ସୋର ସେଠି 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଖାଲି ଧରି ଶୁଣୁଛି। ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଏ ନେଇଗଲା ଯଦି ମୋର ବେଳା ଖରାପ ହେଇଛି, ବେଳା ଖରାପ ହେଇଯିବନି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଣିଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଭାବିଲି କେମିତି ବାଧିବ ସେ ଟାଇମରେ ଇଏ ବାବୁ ଫୋନ କରିଦେଲେ, ଇଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭିଡିଓ ବନେଇବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସନି। ହଁ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। कुछ अभी तक भी ब्लॉग्स नहीं किया है क्या? नहीं कुछ नहीं है, देखो ये वाला भी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, ब्लॉग नहीं है थोड़ा सा, अगर एक ही घर में इतने सारे ब्लॉगर तो हो गए यार, तो लोग भी कंफ्यूज जाएंगे कि किसका दे, अलग अलग कंटेंट तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा दिए हम लोग खाने के लिए, ये क्या दही बड़ा आलूदम, यहाँ से क्या थोड़ा सा पानी पी के खाना को स्टार्ट करें। हालत पूरा खराब हो चुका है गाइस, थोड़ा सा खाने के बाद आपको वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। खा भाई, खा हटके कर, ये बड़ा छोटो पिला भी बुधरू ने भाई बंद कर, ବେଳା ଖରାପ ହେଲା ଦୀପୁ देखो देखो ये लोगों को देखो, ये यो पर ये कैसा हुआ होली आपका, कैसा हुआ हालत खराब हुआ कैसा हुआ, रिव्यू बताओ आप दोनों। मैंने आए ना पिलर किसी, गाइस देखो ये वाला बंदा मतलब हमारे लिए बंदोबस्त कर रहा है, मतलब रंग डालने के लिए पता ही फोन क्या से क्या हो गया गाड़ी जमा
ये लोग ऐसे खेल रहे कि गाड़ी भी साफ हो गया। क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं। बाली इटे की पकड़ दे ए भाई, कार है भाई, कार कार तो गाइस चलते हैं। अभी टाइम हो चुका है, दो बज चुका है। अभी घर जाके नहाना है, नहाने के बाद खाना है, सोना है और कुछ करना है। जाके थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे क्योंकि पूरा हालत पूरा खराब हो चुका है। अभी तक तो अभी हम लेट पे हैं। अभी दीपू और सागर खा रहे थे संगा। तो गाइस आखिर इधर नहाने के बाद फ्रेश हो चुका हो एंड ये वाला तो हालत हो चुका था। मतलब अभी अभी थोड़ा थोड़ा सा अभी मतलब हेड में और मतलब मेरा बॉडी में भी कुछ कुछ लगा है अभी। मतलब रंग अभी तो नहीं छड़ेगा क्योंकि ये वाला मुंडा रंग था एंड डिपो पे आके फ्रेश हो चुका है और ये वाला आला था उसके साथ लैपटॉप को ऑन हो चुका है। अभी जाके थोड़ा सा कुछ खा लूँगा एंड उसके बाद से खाना पीने करने के बाद आपको वीडियो करता हूँ। तो अभी इवनिंग हो चुका है एंड अभी मैं सो गया था क्योंकि पूरा थकावन हो गया था बॉडी में। तो सोने के बाद आके अभी गाड़ी को अभी सफाई करें क्योंकि ऑलरेडी होंडा एसपी 125 पे ख़त्म कर चुका हूँ। अभी दीपू उसका गाड़ी का टीवीएस राइडर का भी सफाई कर रहा है एंड पूरा हुली हो चुका था गाड़ी। तो वहाँ पर अभी क्लीनिंग चला है। अभी टाइम हो चुका है 6:30 बजे। प्लानिंग था कि आज भेंगट को मंडी जाने के लिए बट अभी ट्रैफिक नहीं है तो आज नहीं जाएंगे, पर आज जाएंगे घूमने के लिए। ये होली का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताए। और मेरा साथ फर्स्ट टाइम आज भांगर का सिचुएशन हो गया था तो कल रात में जो हुआ था नशेड़ी पूरा हो चुका था एंड रोड में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। तो दीपू आने के बाद की थोड़ा सा रिलैक्स लगा देन आके घर में सो गया था। रात 8 बजे सोया और उठा आज मॉर्निंग 9 बजे उठा। तो पूरा टोटल पूरा 12 घंटा पूरा सो चुका था एंड आज पूरा दोपहर भी आज नींद आ रहा था जिसके कारण कि आज प्लानिंग था घूमने के लिए और आज घूमने के लिए हम नहीं गए पा रहे थे संग्राम दीपू और मामाली एंड मी। तो नेक्स्ट बार देखेंगे कि नेक्स्ट संडे कहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे वेंकटेश्वर मंदिर। तो गाइस वीडियो को आज मैं स्टार्ट भी नहीं किया था क्योंकि इतना मतलब खराब सिचुएशन हो गया था कि मैं होली खेलने के लिए मुझे प्लानिंग नहीं था और संग्राम और थोड़ा और मेरा मौसी का बच्चा वो आया था सालू, वो आने के बाद कि थोड़ा सा खेलने के लिए हम चले गए थे। तो वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो शूट करके सोचा था कि नहीं ऑडियंस के लिए बहुत दिन हो चुका था, वीडियो अपलोड भी नहीं किया था और भी थोड़ा सा यूट्यूब में थोड़ा सा साइड भी हो गया था। साइड मतलब कि सोच रहा हूँ कि वीडियो मेरे पास पड़ा है भी अभी तक मेरा राइडर गाड़ी का रिव्यू करने के लिए अभी पड़ा है बट उसी को थोड़ा सा एडिटिंग करके रख दिया हूँ, अभी एडिटिंग भी पूरा नहीं किया हूँ। होप गाइस ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा होली का वीडियो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलता है आपको एक न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो में। टिल देन टाटा बाय, सी यू फॉर नेक्स्ट ब्लॉग। साइन आउट प्रताप।